सिलेबस चेंज और रिजल्ट, ये दो ऐसी चीजें हैं जिस पर ज्यादातर स्टूडेंट्स का इस वक्त ध्यान है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको अभी ज्यादातर पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। ज्यादातर बच्चे जो है वो दो ही सवाल हम लोगों से पूछते हैं, हर टीचर से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि रिजल्ट जो है वो कैसा आएगा, कभी आएगा, और साथ ही साथ सिलेबस में क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो रिजल्ट का तो क्लासिफाई हो चुका है, आप लोगों को पता है कि सब कुछ एकदम क्लियर है कि 17 जनवरी को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और उसमें डिले नहीं होगा क्योंकि एनटीए ने बकायदा नोटिस आपके लिए रिलीज कर दिया है। अब बात आती है कि सिलेबस के अंदर मैम क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसको लेकर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेरे अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अंदर चेंज जो है वो हिंट आप सभी लोगों को पिछले जो तीन पेपर हुए हैं, फरवरी मार्च वाला पेपर, फरवरी मार्च के बाद जून में पेपर हुआ, जून के बाद में दिसंबर में पेपर हुआ, इन तीनों पेपर में एनटीए ने आप लोगों को हिंट दिया है। यूजीसी यानी जगदीश कुमार जी जो आप लोगों के चेयरमैन हैं, उनका मेन फोकस है कि कॉलेज स्टडीज के ऊपर, जो कॉलेज की हमारी किताबें चलती है, जो कॉलेज का हमारा सिलेबस है, उस पर स्टूडेंट का ज्यादा ध्यान रहे। हाँ, एडवांस हम लोग पढ़ के जाएंगे, एडवांस आप लोगों से चीजें पूछी भी जाती है, पर ज्यादातर जो फोकस है वो करवाया जा रहा है आपकी उन कोर सिलेबस वाले पॉइंट्स पर, जो पॉइंट्स थोड़े बेसिक होते हैं, इतने एडवांस नहीं होते, बट स्टिल आप कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस वाले क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे। तो मेरे हिसाब से अगर आप सभी लोगों ने अपने अपने कॉलेज कंप्लीट कर लिए ना, तो आपने उस टाइम पर जो पढ़ाई करी होगी आप नोटिस करिएगा कि वहां से बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों के इस बारी तीनों अटेम्प्ट के अंदर पूछी गई है। ज्यादातर फोकस जो है वो है कि आप लोगों के उस वाले मास्टर्स वाले सिलेबस को जो है रिवाइव थोड़ा किया जाए और स्टूडेंट का ध्यान थोड़ा वहां पर लाया जाए। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो मुझे लगता है वो लगता है एप्लीकेशन वाले पोर्शन पे, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो एनटीए का मेन फोकस इस पर भी रहने वाला है इस बार कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो वोकेशनल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए। यानी कि दो इसके पोल अपार्ट टॉपिक मान लो कि एक है बिल्कुल ही बेसिक से एकदम ही फर्स्ट लाइन ऑफ द बुक से सवाल बनने वाली चीजें, और एक है आप लोगों का थोड़ा एडवांस जहां पर आपकी एप्लीकेशन वाली चीजें आती है, जो आपने पढ़ा क्या उसे आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई वाले क्वेश्चन वैसे हमेशा से ही आते हैं, मिक्स आता था यूजीसी नेट के अंदर, इन दिनों जो है वो थोड़ा बहुत आप लोग ये कह सकते हो कि एप्लीकेशन नेक्स्ट लेवल चला गया है, ठीक है ना। जैसे कि मुझे लगता है कि हर एक यूनिट, पेपर वन की बात करूँ, हर एक यूनिट से न्यूमेरिकल वाले, एप्टीट्यूड वाले सवाल पूछना, मैथमेटिकल रीजनिंग का ज्यादा पोर्शन आना, आईसीटी के अंदर न्यूमेरिकल वाले पोर्शन आना, ये सारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो हमारे पॉइंट्स आए ना उनको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे मॉड्यूलेशन ऑलरेडी हो रहा है, चेंजेस ऑलरेडी हो रहे हैं। अब सवाल आता है कि सिलेबस कब चेंज होगा मैम, तो देखिए गाइज, आप सभी लोगों को मैंने बोला था कि 10th ऑफ जनवरी मेरी टेंटेटिव डेट थी, मेरी एक्सपेक्टेड डेट थी, बिकॉज आप लोगों के लिए रूल होता है ना कि 6 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस चेंज होता है किसी भी बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो इट्स अलाउड। अब 10 जनवरी तो निकल गई है, आज है 14 जनवरी, अभी तक आप लोगों का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली हम लोग जनवरी एंड तक का वेट करेंगे। अगर जनवरी एंड के बाद भी आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड कोई नोटिस नहीं आता है, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा कि जून में आप लोगों के सिलेबस चेंज का जो इन्फ्लुएंस है, जो इफेक्ट है, वो नहीं देखने मिलेगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा होगा। अब लेट्स सी कब होने वाला है, क्या होने वाला है। अभी मैंने जस्ट एक मेल जरूर दोबारा से लिखा है एनटीए पे, इसके अलावा पब्लिक ग्रेवरेंस जो है वो आप सब लोगों के सब आप दे सकते हो, एनटीए पे रजिस्टर कर सकते हो, तो यूजीसी का जो खुद का पोर्टल है वहां पर जाके आप लोग भी ये मेल कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सिलेबस चेंज का अपडेट कब तक आएगा। ऑलरेडी मैंने डाला है वो मेल, तो मैं डेफिनेटली उस पर काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको कोई टेंटेटिव डेट नहीं दे सकती हूँ, बट हाँ ये जरूर बता सकते हो मेरा एक्सपेक्टेशन, अगर जून वाले एग्जाम को फोकस किया जाए तो वो मिड या जैन एंड तक मैक्सिमम है कि आप सभी लोगों के लिए जो सिलेबस है उसके अंदर क्या चेंजेस किए जाने चाहिए वो बता दिया जाए। अदरवाइज फरवरी या उसके बाद अगर आपके लिए सिलेबस अपडेट होता है तो मेरे हिसाब से फिर वो जून में नहीं, वो दिसंबर में रिफ्लेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग एड ऑन हो जाएगी। देखो, हम कोई कुछ नहीं बता सकता इस चीज के अंदर कि नेगेटिव मार्किंग एड ऑन होगी कि नहीं एड ऑन होगी। हाँ, अगर होती है, देखो मेरा ये पर्सनल थॉट है, हो सकता है आपका अलग हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग एग्जाम की क्वालिटी को और अच्छा ही करती है, और वो जो लप्पे मारने वाली चीजें होती है वो थोड़ी ज्यादा एलिमिनेट हो जाती है। हाँ, ये जरूर है कि आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर इसे इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसमें भी वही 6 महीने वाला, क्योंकि बड़ा रूल होगा, बड़ा इम्पैक्ट इसका आएगा, तो अभी तक तो इसके बारे में कोई एश्योरिटी है नहीं, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में अभी सोचना चाहिए, हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, थोड़ा काम दिमाग से इस चीज़ के बारे में सोचना, आप लोगों को भी समझ में आएगा, हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, दोनों सोचिएगा। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए कल से 15 तारीख से, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, बेसिक्स वाली सीरीज ऑलरेडी चल रही है, बिगनर्स वाली सीरीज, आपके लिए डे बाय डे एक एक क्लास करके हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कल से रिसर्च शुरू कर रही हूँ चैनल पर, ठीक है ना, तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर जुड़िएगा सुबह 8 बजे,
एकदम बेसिक से शुरू से रिसर्च पढ़ेंगे और एकदम कंटिन्यू तरीके से पढ़ने वाले हैं। गुड लक, आई होप कि आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी वाली लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्या विचार है सिलेबस को लेके, कि आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी सभी बच्चों को और मुझे थोड़ा एनलाइटन करिएगा, हमारी भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय एंड टेक केयर।